हेलो फ्रेंड्स, डिश्टीज किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की एक डिश जिसका नाम है पनीर बटर मसाला। आज की वीडियो में आप देखेंगे मैंने ये पनीर की सब्जी बहुत ही आसान तरीके से बनाई है जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल डिश्टीज किचन को और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है ऐसे ही और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई को गरम कर लिया है। उसमें मैंने 2 चम्मच तेल और 2 बड़े चम्मच बटर डाल दिया है। आप घी भी डाल सकते हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है और 1 तेज़पत्ता डाला है मैंने इसमें, और 1/2 इंच दालचीनी डाली है मैंने इसमें, 2 लौंग और 2 इलायची, आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं, और 2 लाल मिर्च डाली है मैंने। अब मैं इसमें 12 से 15 कलियाँ डाल दूँगी लहसुन की, और 2 इंच अदरक और 1 हरी मिर्ची। पनीर बटर मसाला मीठा होता है तो इसलिए मैंने 1 ही मिर्ची का इस्तेमाल किया है, और इसे अच्छे से मिला लूँगी। और अब मैंने इसमें डाला है 2 लंबे कटे हुए प्याज, इसे हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे थोड़ा पकने देंगे हम, और इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप काजू और 1/4 कप शेंगदाना, और इसे भी अच्छे से मैं मिला लूँगी और इसे पकने देना है हमें। सो 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पे 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं और इसे भी मैं अच्छे से पकने दूँगी। तो टमाटर हमारे पक गए हैं, इसे मैं ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है। एक पेस्ट रेडी करना है हमें इसकी। आप तेज पत्ता को निकाल सकते हैं और बाकी पूरा मसाला डाल के इसे अच्छे से पीस लेना है। तो पेस्ट तैयार हो गई है हमारी। तो अब यहाँ पे मैंने वही कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है, उसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच बटर और 1 चम्मच घी और 1 चम्मच तेल। आप सिर्फ बटर और तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। इस पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। और जैसे ये पक जाती है मिर्ची, अब इसमें मैं पूरा पेस्ट डाल दूंगी और हमें इस पेस्ट को चलाते रहना है इसी तरीके से। और अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला, और इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इस मसाले को हमें तब तक पकाना है जब तक तेल नहीं निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये तेल निकलना चालू हो गया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच क्रीम या फिर मलाई, आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 कप दूध। और दूध को हम पकने देंगे। पनीर बटर मसाला थोड़ा मीठा होता है इसलिए मैं इसमें 1 छोटा चम्मच चीनी डाल रही हूँ और 1 गिलास पानी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और इसे पकने देंगे। और इसे ऐसे ही चलाते रहना है मीडियम फ्लेम में। और आप देख सकते हैं फिर से तेल निकलना चालू हो गया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से किशमिश और थोड़े से काजू, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। और अब इसमें मैं डालूंगी पनीर, ये मैंने स्क्वायर शेप में पनीर कट कर लिया है 200 ग्राम, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी और इसे ऐसे ही पकने देना है हमें। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स करके कवर कर लूँगी और 5 से 10 मिनट तक इसे मैं पकने दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी रेडी हो गई है, और आप देख सकते हैं तेल निकल रहा है साइड से, इसका मतलब हमारी सब्जी रेडी हो गई है और पनीर भी हमारा पक गया है अच्छे से। तो अब इस पे मैं कटा हुआ धनिया डाल दूंगी। तो हमारी ये सब्जी रेडी है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय गाइज़।